हेलो फ्रेंड्स, माय ब्लास्ट फर्नेस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैं हूं सिद्धर मलिक और आज मैं ब्लास्ट फर्नेस का एक कैलकुलेशन टॉपिक्स लेकर आया हूं। वो है वन टन हॉट मेटल के लिए कितना इफेक्टिव लगता है और उसका स्पेसिफिक कंजम्पशन कितना लगता है पर टन ऑफ हॉट मेटल में। स्पेसिफिक कंजम्पशन मतलब IBRM कितना लगता है पर टन ऑफ हॉट मेटल में। आज मैं आपको कैलकुलेशन करके बताने वाला हूँ। आज मैं बताऊंगा कि मेनली ब्लास्ट फर्नेस में जो भी आयरन ओर यूज होता है तो उसका जो केमिकल फार्मूला है वो है Fe2O3। इसका केमिकल कंपाउंड है। इसमें मेनली ऑक्सीजन को रिमूव करना और Fe को निकालना ये हमारा काम है। मगर मैं अभी आपको रॉ मटेरियल सिर्फ आयरन ओर लेके बताऊंगा और बाकी आप आयरन हिसाब से आप जो भी सिंटर यूज करता है और पैलेट भी यूज करता है आप उसको लेके भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैंने अभी यही निकालूंगा कि Fe2O3 जो है एक्चुअली 100% हिसाब से उसका निकालेंगे तो उसमें आपका आएगा 70% Fe और जो बाकी रहेगा 30%। किंतु जनरली इतना मिलता नहीं है और आप भी जब केमिस्ट्री जब लैब में टेस्ट करेंगे तो जितना अच्छा Fe2O3 रहता है वो सब का आपको Fe मिलता है। जैसे और बाकी जो रहता है वो है इम्प्रिटीज आयरन ओर का, वो है सिलिका एल्यूमिना और अदर थोड़ा बहुत है। मेनली आपका अच्छा Fe2O3 रहता है तो आप सोचिए कि 90, 92, 94 रहता है तो वो हिसाब से Fe परसेंटेज भी ज़्यादा हो जाता है। तो आज हमको वही कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा कि एक्चुअली कितना Fe2O3 लगता है पर टन हॉट मेटल के लिए और कितना परसेंट Fe2O3 भी रहता है वो भी आपको बताऊंगा और साथ साथ उसका स्पेसिफिक कंजम्पशन में निकालूंगा। मेनली Fe2O3 निकालने से पहले उसका मोलिकुलर वेट कितना है वो जानना जरूरी है। सबको पता है कि Fe का जो एटॉमिक नंबर है वो है 26 और उसका एटॉमिक मास जो है वो है 56, उसको मोलिकुलर वेट भी बोलते हैं। और टोटल Fe2O3 का जो मोलिकुलर वेट है वो है Fe2O3। ये है Fe2 मींस 2 × इसका जो है मॉलिक्यूलर वेट जो है वो है 56 प्लस O3 जो है उसका एटॉमिक नंबर जो है 8 है, उसका मॉलिक्यूलर वेट जो है 16 है तो 3 × 16 ये आपको आएगा 112 प्लस 48 टोटल है 160 ग्राम और मोल ये आता है टोटल। इसी में कितना Fe है, कितना Fe होगा तो Fe जो है 2 × 56 बाई टोटल मोलिकुलर वेट जो है 160 यह आएगा 112 डिवाइडेड बाय 160 यह आएगा आपको 70%। यह है आपका आएगा मगर ये 100% में, मगर इसमें 100% में पहले बोला था कि इसमें इम्पुटेज रहता है जो सिलिका एल्यूमिना वगैरह रहता है तो वो हिसाब से हमको निकालूंगा। तो यही Fe2O3 लेके हम निकालेंगे कितना Fe2O3 आ रहा है पर टन ऑफ हॉट मेटल के लिए। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Fe इक्वल टू 56 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Fe2O3 वो है 160, मैंने पहले उसको निकाल के बताया था। ये हो गया Fe2O3 का 160। Fe
इन एफ्यू टू ओ थ्री, ये हुआ 112/100, ये हो गया 0.7, ये हो गया हमारा 0.7। और Fe इन हॉट मेटल, आपका जो भी हॉट मेटल में केमिस्ट्री आप निकालेंगे उसमें जो Fe रहता है 94-95% रहता है, उसमें बाकी जो है कार्बन, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस, मैंगनीज, टाइटेनियम, ये रहता है, उसको माइनस करने के बाद जो बचा है वो है Fe। तो कितना रहता है इसमें Fe हॉट मेटल, तो 1 टन के लिए कितना आएगा, 1000 × 95%, ये हो गया 950 kg। देन 112 kg ऑफ Fe प्रोड्यूस्ड बाई 160 kg ऑफ Fe2O3। Then 950 kg के लिए कितना होगा, फॉर 950 kg ऑफ Fe प्रोड्यूस इक्वल टू 160 डिवाइडेड बाई 112 × 950, ये हो जाएगा 160 × 950 / 112, ये हो गया 1357 kg ऑफ Fe2O3। ये है Fe2O3 इतना लगता है, तो 1357 kg Fe2O3 लगता है। और मैं बोला था कि 1 टन के लिए कितना लगा, 1357 kg, तो उसका कितना परसेंट उसका Fe2O3 है इसी से निकालेंगे। देन परसेंटेज ऑफ Fe2O3 परसेंटेज ऑफ Fe2O3 तो कितना परसेंट जाएगा उसका 1350 से हिसाब से निकालेंगे, 160 डिवाइडेड बाय 112 इनटू कितना Fe है, मैं पहले बताया था कि 56 है जो Fe का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो है 56.56, ये आएगा 160 / 102 × 0.56, ये हो गया 80%। तो मतलब जो है ये सबसे निकाला जो है वो है 80%। तो उसके बाद इसे हम निकालेंगे कि स्पेसिफिक कंजप्शन, इसके से कितना स्पेसिफिक लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं स्पेसिफिक कंजप्शन। स्पेसिफिक
कंजप्शन। पैसिव कंजप्शन क्या है? आपका Fe2O3 कितना लिखा था पहले भी बताया था, 1357। ये है 1357 डिवाइडेड बाय आपका कितना निकला था ये परसेंट ऑफ Fe2O3, 80% 0.80 इसको निकालिए। 1357 डिवाइडेड बाय 0.8 ये आपका आ गया 1696 केजी। ये हिसाब से आपका लगेगा 1696 केजी। मैंने बहुत सिंपल और सरल भाषा में समझाया हूँ ये कैलकुलेशन। मेरे ख्याल से आप लोग भी इसी तरह पैरामीटर लेके आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सिंपलीफाई करके बनाया है। और बाकी सब लोग का डिमांड भी था कि सर स्पेसिफिक कंजप्शन और परसेंटेज ऑफ Fe2O3 चाहिए, तो इसीलिए मैंने ये बनाया। तो आप लोग को भी ऐसा कुछ जो भी ब्लास्ट फर्नेस से काम करे कुछ चाहिए तो कैलकुलेशन आप ज़रूर कमेंट में से कमेंट करें, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छा से समझाने के लिए। मेरे ख्याल से आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा, प्लीज़ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।